अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब के? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मॉर्निंग है और वीकेंड भी है, हफ्ते का दिन है, और हफ्ते वाले दिन जो है ना वो मैं क्या करती हूँ, नाश्ते से भी पहले जो है ना वो मैं लगा दिया करती हूँ, मशीन लगा दिया करती हूँ। तो ये होता है कि जब आप कपड़े लगा धो साथ ही मशीन लगाते हैं सबसे पहले, तो आपके जो जितने दिन में कपड़े धुलते हैं ना उतने में सारे घर के काम हो जाते हैं। और सबसे पहले जो है वो वाइट कपड़े होते हैं जिसमें बच्चों के यूनिफॉर्म होते हैं, अगर आप उनको सबसे पहले कर लें तो बहुत कम इम्कान होता है कि आपके वाइट कपड़े कभी भी जो है ना वो उनका वाइट कलर जो है वो न्यू जैसा ना रहे। खैर, साथ के साथ जो है ना वो कपड़े उतारती रहती हूँ मैं, डालती रहती हूँ, साथ साथ मेरे जो है ना वो दूसरे काम भी चलते रहते, लाइक क्लीनिंग कर ली, साथ में डस्टिंग कर ली, साथ में जो है वो आपका किचन के काम होते रहते हैं। तो जैसे जैसे मैंने क्या करना होता है, मैं कपड़ों को निकालती हूँ और सिंक पे रख देती हूँ, उनका पानी निचड़ता है तो उनको मैं डालती रहती हूँ साथ साथ। और साथ जो है ना वो मैं क्या करती हूँ, दोपहर का मेरा जो है खाना भी साथ ही चल रहा होता है, क्योंकि अगर आप खाली कपड़े धो के डालते रहें, सुखाते रहें, उतारते रहें, आप यकीन जाने आप उस उतना ही थकेंगे, उससे भी ज़्यादा थक जाएंगे और आपके बकाया काम नहीं होते हैं। तो साथ ही जो है ना वो आज जो है वो मैं मैक्रोनी बना रही थी, और मैक्रोनी जो है ना उसको बॉयल कर मैं करती हूँ कि वो अभी 15% उसकी कसर बाकी होती है, मैं उसको स्टेन कर लेती होती हूँ, हल्का सा ऑयल करके स्टेनर में पड़ा रहने देती हूँ। अच्छा, बेस्ट मैक्रोनी बनाने का तरीका ये है कि आपके जो प्याज है वो हल्के से भी उनका कलर जो है ना वो चेंज ना हो, वरना आपका मैक्रोनी नहीं बल्कि सालन बन जाता है। तो उसमें आप जो है ना वो हल्का साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से वो जो है उस इसको आपने अच्छे से रोस्ट करना है, मतलब आपका प्याज जो है ना वो उसका कलर वही रहना चाहिए, लेकिन लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना उसको आपने 1-2 मिनट जो है वो कुक करना है कि आपके जो है ना वो कच्चापन उसका लहसुन अदरक के पेस्ट का जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, प्याज बिल्कुल भी आपने ब्राउन नहीं होने देना, लेकिन लहसुन अदरक के पेस्ट को जो है ना उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म कर लेना है। देन उसमें जो है ना ये जो कुटी हुई जो धड़धड़ी लाल मिर्च होती है ना ये थोड़ी सी डालें। अच्छा, कुछ लोग जो है ना मैक्रोनी को बहुत स्पाइसी कर लेते हैं, तो आपने मैक्रोनी को स्पाइसी नहीं करना होता है, क्योंकि मैक्रोनी स्पाइसी अच्छी नहीं लगती है। तो इसमें जो है वो बस साथ ही जो है वो मैंने छोटे छोटे पीसेस चिकन के किए हुए थे, मीडियम फ्लेम रहेगा, बस इसको जो है ना कलर चेंज करने तक ऐसे ही बनाना है। देन इसमें जो है ना ये देखें प्याज अभी भी वो अपनी असली शक्ल में मौजूद हैं और ये इन्हीं का फ्लेवर आता है। तो 3 से 4 जो है ना चम्मच मैंने डाल दिए हैं, मिला के समझे 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच ही चिली सॉस के मैंने डाल दिए हैं, और ये मैं 1 पैकेट मैक्रोनी की जो है ना वो बना रही हूँ। और आज जो है ना वो असल की ट्यूशन में है जो है ना 1 डिश पार्टी भी है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बना ली है कि चलो घर पे भी खा लेंगे, साथ में असल भी जो है वो ले जाएगा। अच्छा, चिकन हमारा बिल्कुल डन हो चुका है, अब इसमें टमाटर जो है ना चॉप किए हुए बीज निकाले हुए और शिमला मिर्च भी, इनको पकाना बिल्कुल भी नहीं है, बस इनको 1 मिनट से भी कम जो है ना वो बस हिलाना जुलाना है, ये सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, बस ये नज़र ही आने चाहिए मैक्रोनी में, और ये बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे आप और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने बस इन्हीं से जो है ना इत्तेफाक किया है। यहाँ पे काली मिर्च का 1 चम्मच भर के मैंने टेबलस्पून भर के डाल दिया है, और हमने जो है वो चिली सॉस भी डाली है। यहाँ पे थोड़ा सा नमक है क्योंकि मैक्रोनी को भी नमक मैंने डाल के किया है, बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे 30 सेकंड, और चीज़ें जो है ना साथ के साथ उनकी जगह पे रखते रहें। ये भी एक टिप है कि आप अपनी चीज़ें जो भी है ना कुकिंग करते हुए उनको साथ के साथ जो है ना अपनी जगह पे आप रखते रहें, तो इस तरह से आपका काउंटर एरिया जो है ना वो फुल नहीं होता है और चीज़ें नीचे नहीं गिरती हैं। अच्छा, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, इतनी आसान है ये मैक्रोनी बनानी, और बस इसमें मैंने बॉयल की हुई मैक्रोनी अब मैं डाल दूँगी, और इसको मैंने आपको बताया था कि इसमें ना 15% कसर बाकी थी, वो इसलिए कसर बाकी होती है कि इसमें जब आप यहाँ पे फुल नहीं पकाएंगे वरना वो टूट के ना अजीब सी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको थोड़ा सा दम पे लगाएंगे ताकि जो है ना आपकी जो फ्लेवर है चिकन का, वेजिटेबल्स का, जो उसका मसाला था ना वो अंदर तक चला जाए। तो यहाँ पे जो है ना कैचअप का भी मैंने टमाटो कैचअप जो होती है ना नेशनल की मैंने तो डाली, आप जौन सी मर्जी, तो उसको भी मैंने डाला, वो वीडियो कहीं स्किप हो गई है। अच्छा, साथ के साथ जो छन्नी थी जिससे मैंने स्टेन किया था मैक्रोनी को, उसको भी साथ के साथ ही धो देते हैं। फिर वही बात है कि मैं ना ऐसे ही करती हूँ कि अगर आपके जो बर्तन है ना कुकिंग करते करते आप सुबह के अलावा मैं साथ साथ ही सारा दिन धोती रहती हूँ, इस तरह से आपका जो है ना सिंक का एरिया भी साफ़ रहता है, आपके चूल्हे का एरिया भी साफ़ ही रहता है। और ये जो लिक्विड डिश वॉशर है ना इसको यूज़ किया करें, इससे आपके हाथ नहीं ख़राब होते, भले आप ग्लव्स ना भी लगाएं,
जब मैं साबुन से धोया करती थी ना, चाहे वो मैक्स का था या विम था, उससे मेरे हाथ बहुत ख़राब होते थे। लेकिन पिछले 1-2 सालों से मैंने, तो जब आपका जो लिक्विड डिश वॉशर होता है ना, लिक्विड आप यूज़ करेंगे बर्तन धोने के लिए, तो आपके हाथ नहीं सबसे पहले तो ख़राब होते, दूसरा आपके बर्तन भी नहीं ख़राब होते। पहले ना मेरे प्लेट्स और जो कटोरियाँ होती थी ना, उनकी बैक साइड पे निशान पड़ जाते थे। लेकिन पिछले 1-1.5-2 साल से मैं, ये उससे भी ज़्यादा अर्सा हो गया, मैं डिश वॉशर जो है ना वो लिक्विड यूज़ करती हूँ, तो इससे निशान नहीं पड़ते हैं। तो साथ के साथ जो है ना वो चीज़ों को मैं उनकी जगह पे रख देती होती हूँ। इस तरह से क्या होता है कि आपकी जो है ना वो काम सिमटे रहते हैं। अब जैसे मैक्रोनी बन चुकी है, इसको मैंने दम पे लगाया था, साथ में कोई भी एक बर्तन नहीं है कि जो कि धोने वाला होगा। और ये इनका इसका लुक देखें आप, किस कदर मज़े की आपको मैंने रेसिपी बताई है। ये सबसे आसान तरीका होता है। तो असल को ये जो है ना, मैं इसके एक डोंगे में डाल के दे रही हूँ असल को। ये तकरीबन अब जो है ना 5 बजे का टाइम है, तो असल को जो है वो साथ दे रही हूँ, और असल ले जाएंगे। और इनकी मैं दूसरे दिन वॉश ओवर कर रही हूँ, तो दूसरे बच्चे भी काफ़ी कुछ लाए थे, तो असल काफ़ी खा पी के आए थे। पापा इनके जो है वो ऑफिस गए हुए थे, तो बाद में मैंने और अबीहा ने भी जो है ना, और नबीहा ने भी यही मैक्रोनी खा ली थी। और ये अब मैं असर को जो है ना वो दे रही हूँ, तो असर को देते हैं पहले। और ये थोड़ा सा गर्म है, लेकिन ये है कि ये हैवी वाला है, डोंगा तो गर्म नहीं है, मतलब मैक्रोनी गर्म रहेगी लेकिन पॉट जो है ना वो गर्म नहीं होगा। तो ये असर जा रहे हैं अपनी पार्टी पे, वन डिश पार्टी हो रही है। और अब जो है यहाँ पे ये किसी बात पे नाराज़ जा रहा था। तो शाम में जो है ना वो हमने बनाया था आलू गोश्त, आलू चिकन, मतलब आलू चिकन का जो आलू गोश्त बनता है ना वो बनाया था। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ। और उसके बाद क्या हुआ कि अबीहा ने भी जो है ना वो वन डिश पार्टी घर पे जो है वो रखी हुई थी। तो जो मैकरोनी बनाई थी, मैंने काफ़ी सारी बनाई थी, तो वो जो है वो मैकरोनी अबीहा ने अपनी वन डिश पार्टी में भी यूज़ कर ली थी, और बाकी बच्चे भी जो है ना वो लेके आए थे काफ़ी कुछ। मैं आने वाला अभी आगे व्लॉग आ रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये नबीहा को जो है ना वो कभी कभी छोटी ज़्यादा ही बन जाती है, कहती होती मम्मा मुझे अपने हाथ से खिलाएं। तो ये शाम हो गई है, अफसर भी जा चुका है, अब नबीहा की पार्टी शुरू हो रही है। सबसे अच्छी चॉकलेट डेयरी मिल्क, चले डालते हैं। तो ये नबीहा जो है वो अरशद रील देख रही होती है, दुआ के पापा जैनब के पापा या दुआ के पापा, मैं ये भूल जाती हूँ। खैर अबीहा ने पता नहीं क्या किया, बहुत सारे आइसक्रीम के कप्स लेके उनको ना बाउल में निकाला है, और उसके बाद जो है ना इसने ऊपर जो है वो कोरोनेटो की भी आइसक्रीम को ऊपर उसके डिजाइनिंग कर दी थी। तो इसने ये जो है ना निकाल के, अभी इसकी तो काफ़ी लेट शुरू हुई थी, मतलब समझे कि 7-8 बजे, लेकिन इसने तैयारी पहले से शुरू कर दी थी। अच्छा बात यह है कि मैं ना अपने बच्चों को घर से बाहर अकेले नहीं जाने देती हूँ। कुछ अच्छे बच्चे जो होते हैं, जैसे असद जब जो गया है, वो उनकी ट्यूशन वाली मिस है, उसकी स्कूल टीचर भी है, तो उसके घर है, इसलिए मैंने उसको जाने दे दिया। अबीहा के भी एक आज जिसको मैं जानती हूँ उसके घर, इसको मैं जाने दे रही थी, लेकिन मैं बच्चों को ना बाहर नहीं जाने देती हूँ। हाँ घर में ही मेरे आंखों के सामने जो मर्जी कर ले, मतलब अच्छे वाला, ये नहीं कि जो मर्जी, एक लिमिट में रह के ये कर सकते हैं। तो अबीहा को जो है वो, अबीहा ने भी अपनी जो है वो पार्टी रखी हुई थी बच्चों के साथ, अपनी क्लास फेलोज के साथ, और ट्यूशन फेलोज भी हैं थोड़े से 1-2 उनके साथ, और वो भी लड़कियां ही हैं मतलब। तो ये है, ये इसका दिल जो है ना वैसे ही ललचा रहा है। तो ये अब इसको पता नहीं क्या करेगी, ये देखते हैं, ये इसके ऊपर उसको उल्टा करके ऐसे इसके सींग बना देगी। तो ये बाउल आइसक्रीम का भर गया, और फिर इसने उसके ऊपर चॉकलेट्स और पता नहीं क्या क्या डाला। आजकल के बच्चों को जो है ना वो ज़्यादा, उनके आइडियाज़ हैं बड़ों से भी ज़्यादा। तो ये इसने सब कुछ डाल डूल के जो है ना वो उसको रख दिया था, फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद बच्चियाँ आ गई, और उन्होंने वो भी अपनी जो है वो कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आई, कोई जो है वो राइस लेके आई, कोई चिप्स लेके आई, फ्राइज लेके आई। तो ये सब इन्होंने खूब जो है ना वो मस्ती की, सामने जो है वो टीवी पे म्यूज़िक चला के बच्चों ने अपने टाइप के वो है खूब फन भी किया। तो बस इस तरह से ये आज का दिन था। और बच्चे जो है ना वो आपस में मेरी आंखों के सामने जो मर्ज़ी करते रहे। मैं बच्चों को अपनों को मोबाइल भी नहीं देती हूँ इनको, मैं अगर ये कभी लेके भी बैठे तो मेरे सामने ही ज़रा सा, तो इनको मैं ज़्यादा मोबाइल के आ रही। लेकिन ये है कि बच्चे जो है ना
घर में जो मर्जी करें, इस तरह से आपके बच्चे एक अच्छा फील, आज़ादी भी फील करते हैं और आपकी आंखों के सामने भी रहते हैं। तो ये इनकी जो है ना पार्टी चल रही थी, ये आपस में इन्होंने किया हुआ था। तो ये मेरा आज की व्लॉग में कुछ टिप्स थी, और व्लॉग्स में जो टिप्स आप उसको भी कह सकते हैं, जो मेरे करने का काम, जो मेरा तरीका होता है, वो सारी जो है ना वो टिप्स ही कहलाती हैं। तो कुछ लोगों को जो है ना वो बैड कमेंट कर रहे होते हैं, तो उनको मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, और हर एक अपनी जो है ना वो सोच होती है। तो